कनाडा को लेके ट्रेंड को लेके ये वीडियो रहेगी, वीडियो का एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे मैं बता दूं कि कनाडा विजिटर वीजा को लेके राइट नाउ जो वीजा ट्रेंड है मल्टीपल रिफ्यूजल के बाद जो लोग हैं उनके लिए भी काफी अच्छा खासा चल रहा है। जी हाँ, पीपीआर देखनी है, 2-4 दिन पहले की पीपीआर पड़ी होगी, आप ये चेक कर लो। रिजल्ट जो है अभी भी कनाडा विजिटर वीजा के पॉजिटिव आ रहे हैं और इसमें से जिनकी मल्टीपल रिफ्यूजल थी वो एप्लीकेंट काफी है। मतलब अगर कोई कनाडा का सोचता है कि मैंने कभी कनाडा का वीजा अप्लाई करना है तो मुझे लगता है कि अच्छा टाइम जो है वो नहीं होगा। हाँ, प्रोफाइल आपका, प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? प्रोफाइल आपका बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है कि आपके जो फंड है अगर वो फंड अभी डलवाओगे 2-4 लाख की वीजा के लिए डलवाने हैं तो वो गलत हो जाएगा, आपके वीजा के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे बेस्ड ऑन रिसेंट फंड की ये आपने वीजा के लिए। प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करना है, देखो प्रोफाइल बाकी की कंट्री की तरह रहता है, सेम ही प्रोफाइल रहता है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में जॉब करते हो तो आपकी सैलरी अकाउंट में है कम से कम 3 महीने, कुछ ही करो 6 महीने। नेक्स्ट आप अप्रैल में ITR भरोगे, उसको प्रॉपर सैलरी के हिसाब से या बिजनेस की इनकम के हिसाब से प्रॉपर वे में फाइल करो कि वो ITR जो है आपकी पॉजिटिव एक रिप्रेजेंटेशन आपको दे, आपकी प्रोफाइल का पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले कि हाँ जो इनकम बंदे ने बताई है जिस हिसाब से कवरिंग में भी लिखा है ITR भी उस चीज को सपोर्ट कर रही है, उसको प्रॉपर वे में ITR को फाइल करें। जॉब की सैलरी अकाउंट में लें, फंड जो है वो कोशिश करें कि आपके पुराने हो, नहीं है तो जिस अकाउंट में नए फंड वगैरह उसका बैलेंस सर्टिफिकेट यूज कर ले, और सैलरी अकाउंट है तो उसमें ये चीजें ना करें क्योंकि ये इम्पैक्ट करेगी। सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट आपको लगानी चाहिए। फार्मर प्रोफाइल वाले जो हैं उनका वैसे तो प्रोफाइल ऑलमोस्ट रेडी होता है, लेकिन अप्रैल में आपके जे फॉर्म नए वे में आएंगे, एक नए जे फॉर्म भी आ जाएंगे क्योंकि बहुत से एप्लीकेंट हैं जिनके जे फॉर्म नहीं है, फादर के नाम पे फार्मिंग लैंड उन्हीं के नाम पे जे फॉर्म है, आप लगाओगे फादर की जे फॉर्म साथ में तो ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपके नाम पे कुछ जे फॉर्म होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, अप्रैल में आपको नए जे फॉर्म मिलेंगे, नई जो क्रॉप है वो सेल करोगे तो वो जे फॉर्म अपने नाम पे लो, उसकी इनकम अपने अकाउंट में लो, तो उससे क्या होगा कि वो रिसेंट फंड में भी चल जाएंगे क्योंकि सोर्स से जो इनकम आ रही होती है ना, एक चीज को समझो, रिसेंट फंड में ओल्ड फंड में बंदा कंफ्यूज होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि फंड पुराने होते तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर सोर्स ऑफ इनकम आपका डिफाइन होता है कि मेरी ये सोर्स था उससे इनकम आई है तो वो रिसेंट भी वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग लैंड है आपकी, आपकी क्रॉप सेल होगी तो उसके फंड अगर वो रिसेंट आए, रिसेंट ही आएंगे ना जब क्रॉप सेल की, वो वैलिड है, उस पर कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि आपके अकाउंट में रिसेंट फंड है। फंड पे ऑब्जेक्शन कब आता है, जब आप इधर उधर से करके 4-5 लाख एकदम से अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो जिसको जस्टिफाई नहीं करते। ऐसी चीजें अगर आप करते भी हो ना, आपने कुछ सेल किया, कोई प्रॉपर्टी सेल की है, आपने किसी को अमाउंट दिया था, तो उससे एफिडेविट लगवाओ कि इसने मुझसे बोरो किए थे। कोशिश करो अगर बोरो किए थे तो वो एंट्री भी अकाउंट से हुई हो कि हाँ ये देखो इस तारीख को इस स्टेटमेंट से मैंने इसको 4 लाख दिया था, इसने मुझे आज की डेट में ये वापस कर दिया, ये मेरी पुरानी स्टेटमेंट, आप उसको देख सकते हो, ताकि ऑफिसर को टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन भी आपकी जो है वो अच्छी हो। बाकी जो यंग एप्लीकेंट है वो पूछते हैं कनाडा के लिए, यंग एप्लीकेंट अनमैरिड एप्लीकेंट के अभी हाल ही में ट्रेंड तो अच्छा रहा है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कनाडा आज की डेट में सबको वीज़ा दे रहा है, बहुत से लोगों को ना ये कन्फ्यूजन हो रही है या मार्केट में, क्योंकि वीज़ा बहुत आ रहे हैं ना हर जगह, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि कनाडा तो हर किसी को वीज़ा दे रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर किसी को वीज़ा नहीं दे रहा, लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को वीज़ा दे रहा है। तो ये एक्चुअल में ट्रुथ क्या है कि काफ़ी वीज़ा सक्सेस अच्छा है, लेकिन सबको वीज़ा मिल रहा है ये गलत है। लेकिन हाँ, ट्राई करना है, मल्टीपल रिफ्यूजल के बाद रिफ्यूजल वीजे आए हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये भी देख सकते हो, 6 रिफ्यूजल के बाद एप्लीकेंट का वीजा है, अनमैरिड केस है, 30 के आसपास एज है, फार्मिंग प्रोफाइल है, और ऐसी एक नहीं है, बहुत सी एग्जांपल है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हर एग्जांपल के ऊपर हम डिस्कशन करें तो, बहुत सी एग्जांपल है मल्टीपल में लिंक में जहां यंग एप्लीकेंट है, पास में कोई रिफ्यूजल थी उसके बाद उनका वीजा ग्रांट हुआ। और कंट्री से अगर कोई एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है तो भी अप्लाई कर सकता है, जैसे आज की डेट में न्यूजीलैंड से कनाडा का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है, अगर आपका वर्किंग प्रोफाइल कनाडा का वीज़ा आपको आराम से मिल रहा है, या यूके से आप कनाडा लगा रहे हो तो जिन्होंने लगाया उनको तो पता ही होगा कि ट्रेंड जो है कनाडा के लिए वैसे ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड आप कहीं भी बैठे हो तो अच्छा है। ये मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ट्रेंड न्यूजीलैंड से अच्छा है लेकिन इंडिया से इतना अच्छा नहीं है, कनाडा का हर तरफ से जो है इस टाइम पे ट्रेंड जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव चल रहा है। सो जिन्होंने अप्लाई करना मेरे हिसाब से ये राइट टाइम है, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर वे में अपनी फाइल को प्रेजेंट करें ताकि आपके वीज़ा के चांसेस इंक्रीज हो सके। 100% कभी कोई चीज़ नहीं होनी, आप अपना बेस्ट तो अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखो, कोई प्रॉब्लम होती है कोई गाइडेंस चाहिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या RCIC एजेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका मिल जाएगा। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय।